दोस्तों रोहित शर्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में हुई ना इंसाफी, एम्पायर ने रोहित शर्मा को नो बॉल पर दिया आउट। जी हाँ दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं क्या पूरा माजरा, आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श ने 96 रन, सटीव स्मिथ के 74 और लवु सेन के 72 रनों की विस्फोटक पारी की बदौलत 50 ओवर में 352 रन ठोक दिए। दोस्तों भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 81 रन देकर 3 विकेट झटके। दोस्तों 352 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर। दोस्तों मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के धागे खोल दिए और किसी भी गेंद और गेंदबाज को बख्शा नहीं और मात्र 30 गेंदों पर विस्फोटक अर्धशतक जड़ दिया, जिसमें 4 चौके तो वहीं 5 गगन चुंबी छक्के भी शामिल थे। दोस्तों जब रोहित शर्मा 81 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल की 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा कैच आउट हो गए। इसके बाद जब दोस्तों रिप्ले में देखा गया, रोहित शर्मा जिस गेंद पर आउट हुए थे वो नो बॉल थी, लेकिन दोस्तों एम्पायर ने जानते हुए भी रोहित शर्मा को वापस नहीं बुलाया और आउट करार दे दिया गया।